एलएलबी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को डॉन बनने का ऐसा खुमार चढ़ा है कि उन्होंने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद गूगल पर हत्या की सजा से बचने के तरीके खोजने लगे। छतरपुर पुलिस ने ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया है जो आपको भी चौंका देगा। एलएलबी की पढ़ाई कर रहे छात्रों में गुंडा बनने का भूत सवार हो गया। डॉन बनने के सपने को पूरा करने के लिए आरोपियों ने झकमऊ निवासी लल्लू कुशवाहा का अपहरण किया और उसके परिवार से फिरौती की मांग की, फिर युवक को मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच के लिए एसपी ने 4 टीम बनाई थी। हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम के लिए एसपी अमित सांघी ने 20,000 रुपए इनाम देने की बात कही है। पुलिस ने आरोपी अभिषेक यादव और रविंद्र यादव को कट्टा सहित गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं कि इन आरोपियों ने कत्ल के बाद गूगल से जानने की कोशिश की कि हत्या की सजा से कैसे बचा जा सकता है। को ग्राम झिकमऊ से एक युवक गायब हुआ था जिसकी 7 तारीख को गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उसके बाद इसके पिता के पास फिरौती के लिए फ़ोन आने पे धारा 364 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें लगातार टीमों ने काम करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दोनों ही झिकमऊ के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी अभी गाँव में ही रहता है, दूसरा जो है उसका घर यहाँ छतरपुर में भी है। और घटना 6 तारीख को ही ये घटित हो गई थी। जिस दिन ये घर से निकला था उसी दिन जो मुख्य आरोपी है अपने खेत में ले जाके कट्टे से इसके गले में गोली मार दी थी और वहीं पास में नहर के पुल के नीचे इसकी बॉडी को छुपा दिया था। हमारी टीमों ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। इन पे जो हत्या में प्रयुक्त हथियार था वो भी जब्त हो गया और मुख्य आरोपी के ही बताए अनुसार इसकी बॉडी जो है उसको पुलिस ने रिकवर किया है। तो शुक्रवार को घर से बोला कि मैं गांव तक जा रहा हूँ और गांव से मतलब सुनने की चलो हमसे घूम घाम के अपने आ जाता था और हमने उसकी जेनी आती है चाहे जितनी मर्जी जितनी टाइम चलो जा किसी से बुराई भलाई नहीं। फिर ये चला गया एक गांव में दुकान पे नोरा रजत की दुकान पे बैठो रहो। फिर बैठो होते थे गया हमारी लड़का की मोबाइल पे आया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।